आखिर क्या कसूर है इस माताजी का कि इसके बेटे को सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। बगल में ये जो देख रहे हैं, ये आप इधर दिखाइए, ये घर है, ये घर है लड़की वाले का, जस्ट ये घर है लड़का वाले का, उसी लड़का का ये माँ है जो लड़का इस दुनिया में अब नहीं रहा। दुनिया से चल गए बाबू। नहीं रोना है बाबू, बाबू नहीं रोना है, नहीं रोना है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पंजाब दिल्ली से बाबू एकरान के सब कुछ ननावरे कपड़ा लगता, वहाँ भाई के गुण एकरान के आवे छे हमरा के देते हमरा। एगो बाप कमबे वाला छे, सात परिवार खाए वाला छी। बताइए इस बच्चा का हालात देखिए, क्या समझती है ये बच्चा, लेकिन अपने भाई के लिए इसके दिल में वही था। सब भाभी के कपड़ा दे रहे, अब आइयो रात में रो ले कि हमारे भाई रहती है जिंदा तो हमार कपड़ा देती, अब भाई नहीं चे दुनिया से चल गए, सब माय पुत मिल कर कान ले चे साँझ का सुत रहे चे, आने की सब दिन हमरा बाबू के ख्याल आवे चे, सब दिन काने चे। क्या की नाम छे बाबू तोर, की नाम छे बोला, बढ़िया से बोला बाबू, बता दो। सपना। घर का स्थिति देखिए, ऊपर पन्नी है, एकदम पानी उनी पड़ता है तो चूता होगा ये घर। रातो भर गोर पंड रे, जे बाबू परसु कर रे, बाबू ने से कहां से आती है, बाबू के चिंता से काट लिए, माननीय ने काट लिए, लहरा से हमरा भेजा देने छे 20 किलो गहूं, तब हम बाल बच्चा के खिलवे छे, ई बुरा हाल छे। अखनी हमर पति ने रे कमबे वाला बुढ़ो भए गेल छे, ओकरा भेज लिए जा, बच्चा छ नन सुन के देते खाइल। और इस तरह का मतलब घटना, दिल से आवाज नहीं निकल रहा है मेरा भी, क्या मैं बोलूं यहाँ पे, इस परिवार का जो हालात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो पति है, इनका उम्र आप देख सकते हैं, इनका पति बुजुर्ग हो गए हैं, कमाने के लायक उस तरह से नहीं बचे हैं। मला जल नहीं चाहे चे, चल दे चे, तैयो भेजा दे चे कमबेला, जा चे लोग के गोबर उठवे चे पंजाब में, कोई काम में नहीं सदे चे गोबर उठवे चे, कलिए कहुना के तो बाल बच्चा का पालन करवो, भेज दिलिए नहीं जा रहे कर हमरा कोई नहीं राखे चे, कलिए चल जा दूगो बच्चा छे खाए पी कहाँ से हम देवे चोरी करबे, ओकरा बाबू के स्वग से काट लिए बांध लिए ने, लहरा से 20 किलो गहूम हमर माय काल खुना दे आयल छे ओकरा पिसाय के नान लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिले के किशनगंज में, यहाँ पे एक ऐसी घटना के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे जो कहीं ना कहीं आपसे, आपको इससे पहले भी जानकारी मिली होगी कि एक अररिया जिले में आरती छोटू का घटना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सेम टू सेम वही घटना मधेपुरा जिले के किशनगंज में हुआ है। आइए हम जानकारी देते हैं आपको विस्तार से। ये जो घर देख रहे हैं, ये एक लड़की का घर है, और ये जो बगल में है, ये एक लड़का का घर है, और दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस तरह से आरती और छोटू प्यार किया करते थे, सेम उसी प्रकार का घटना है। और घटना क्या होता है, प्यार करने के बाद कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को पता चलता है, और अंजाम वही होता है जो अंजाम छोटू के केस में हुआ था। आइए हम परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया था। ये जो सामने देख रहे हैं, ये वही माँ है जिसका आँख का आंसू सूख गया है रोते रोते, लेकिन अभी तक भी इसको पूरा इंसाफ नहीं मिला है। बताइए प्यार करना कितना बड़ा गुनाह है इस बिहार में कि उसका अंजाम सिर्फ व सिर्फ ऊपर भेजने का ही है। आइए जानकारी लेते हैं इस माँ से, देखिए इस माँ का क्या हालात है, आज भी रो रो के बुरा हाल है, आखिर क्या कसूर है इस माताजी का कि इसके बेटे को सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। बगल में ये जो देख रहे हैं, ये आप इधर दिखाइए, ये घर है, ये घर है लड़की वाले का, जस्ट ये घर है लड़का वाले का, उसी लड़का का ये माँ है जो लड़का इस दुनिया में अब नहीं रहा। नहीं से बाबू हमर को दुनिया से चल गए बाबू, ये ने कर लगे बाबू का अपनो बेटी को मार दे छी, हमरो बेटा को मार देते, बेटी का राग लेल के हमरा बाबू के दुनिया से दा दिल के। अच्छा तोहर बेटा ओकरा बेटी से प्यार करे? हाँ, अब हमरा बाबू नहीं रे मालूम। अच्छा। जो मालूम रहते वो हमरा जानकारी कर देते तो हम बाबू के समझतिए ना। हाँ। कते तोरा बेटा एना करे छो, जेल करबो थाना करबो, हम कहतिए कर दे बेटा के। हाँ। हमरो हेतिए उतना गुब्बत छोड़ा के आनतिए, नहीं तो जेल में रहतिए। अच्छा ओकर बेटी कत छे? ओकर बेटी नहीं छे मालूमे नहीं पड़े दे छे बेटी के। बेटी लेकिन जिंदे छे ना? हाँ जिंदे छे ओकर बेटी। बताइए
जब आप लोग यही इसी को इंसाफ मानते हैं कि प्यार करने का अंजाम बुरा होता है, तो एक ही परिवार के लिए क्यों बुरा होता है? क्यों ना दूसरे परिवार के जो लोग हैं, जो दोनों प्यार करने वाले हैं, आप उसको भी तो वही अंजाम तक पहुंचाते ना। लेकिन एक परिवार को आप वर्षों से रुला रहे हैं, दर दर की जो है ये ठोकर खा रही है अपने बेटे के इंसाफ के लिए, लेकिन एक परिवार आप अपनी बेटी को बचा लेते हैं, तो फिर ये इंसाफ कहाँ से हुआ? बेटी धमकी दे ला कि अपना बेटा का अपने मार दिल के बाबू रंग कही हुए थे कि हम अपना बेटा का अपने मार दे तो हर बहन रो रंग तो अपना बहन का रखने से हम बेटा को मार देती है बाबू जे कि कमाई खिलवे रहे छोटा छोटा भाई बहन से ओकरा हम मार देती है। अब दोसर इल्जाम हमरा लगवा लागले कि माय बाप मार लेके हेते कभी कि माय बाप मार देते बेटा का, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी हेते माय जिस तरह का इल्जाम आप लगा रहे हैं इसके ऊपर, जो माँ अपनी बेटे को जो है 9 माह तक अपने गर्भ में पाल पोस के बड़ा करती है, उसको जन्म देती है, वो माँ अपने हाथ से अपने बेटे को मर्डर कैसे कर सकती है? बेटा पागल छे ओकरा मार देबे हम, पागल छे ओकरा खाए के नहीं कोनो बैठे के कोनो नहीं रहे छे, कहाँ रहे छे वहाँ गिर जाए छे ओकरा हो जे के आधा गो रोटी अखनी नहबा के एल रही कल लगा से नहीं नहा सके छे। कै गो बेटा छो माता जी तोरा? 4 गो छे बेटा, एगो पगला छे, एगो तो मारिए दिल के बाबू, एगो बेटा ये छोटका छे कनन गेले है वहाँ छे। इधर आ बाबू, इधर आ, इधर आ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मुख तो दिल के या इधर तुम भी, तू बेटी है? क्या गो बेटी छो? 4 गो बेटी छे। क्या गो शादी के लिए? एक गो के शादी करने छे, 3 टा कुमार छे, 3 टा एगो बेटी जवान से घास। इधर आओ बाबू, तुम इधर आओ, मत रो, तुम मत रो बेटा, नहीं रोना है बाबू, बाबू नहीं रोना है, नहीं रोना है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पंजाब दिल्ली से बाबू एक रान के सब कुछ ने ना मेरे कपड़ा लता वहाँ भाई के गुण एक रान का आवे छे हमरा के देते हमरा एगो बाप कमबे वाला छे, 7 परिवार खाए वाला छी। बताइए इस बच्चा का हालात देखिए, क्या समझती है ये बच्चा, लेकिन अपने भाई के लिए इसके दिल में वही दर्द है। आज वो भाई होता तो कहीं ना कहीं इसको वही प्यार मिलता, वही दुलार मिलता, लेकिन आज भाई के लिए ये बेचारी बच्ची है लेकिन फिर भी रो रही है। रक्षाबंधन में सब भाई बहन के कपड़ा दे रहे, अब आइयो रात में रो ले कि हमारे भाई रहती है जिंदा तो हमारे कपड़ा देती है, अब भाई नहीं चे दुनिया से चल गए, सब माय पुत मिल कर कान ले छे साँझ के सुत रहे छे, आने की सब दिन हमारा बाबू के ख्याल आवे छे, सब दिन काने छे। क्या की नाम छे बाबू तोर, की नाम छे बोला बढ़िया से बोला बाबू, बता दे। सपना। सपना पढ़े छो? कौन क्लास में बाबू? एक क्लास में छे, ये छे दूसरा क्लास में एकरा पर बाबू। इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ छोटू, इधर आओ, देखिए ये भी रो रहा है, क्या हालात बना के परिवार का, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखिए क्या हालात बना के परिवार का छोड़ दिया है कि आज भी दर दर का जो है ठोकर खा रही है, एकदम परिवार के लोग रो रो के देख रहे हैं, छोटी बच्ची है, माता जी है, ये छोटा भाई है, की नाम छे बाबू? नीतीश कुमार। कना तोहर भाई के जो छे मार दल के? तोरा नहीं रह पता? अच्छा की कहबो जे मार लगे ओकरा की कहबो? नहीं कहानी, नहीं कहानी, चुप है जा बाबू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इंसाफ मिलेगा कहीं ना कहीं। प्रशासन को इसके आंसू पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह का जो समाज में कुरीति बना हुआ है, कहीं ना कहीं इस कुरीति को जब तक ये कानून जो है दंडा सही ढंग से नहीं चलाइएगा इस तरह के लोगों पे, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटना लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में, ये कम नहीं होगा। देखे ना, देखा कर जाए कि एक बच्चा बच्चा के नहीं छोड़े, अभियो जाए छे धमकी देखे लड़की के बहन कि एक बच्चा बच्चा के नहीं छोड़े हम, अभियो नहीं भूलल छे। बताइए धमकी दे छे, एक तो इसके परिवार का जो लाडला था, जो कमाने वाला था, उसको आप भेज दिए ऊपर, बाकी जो बचा हुआ परिवार आप उसको धमकी देने का कार्य करते हैं। धमकी दगलावे छे बाबू, कहलक कि बेटा के नाम में संतोष बन लिया, एक एक का मार देबो सबके, हमरा डर न छे बाबू, कहीं नहीं जाए छे बच्चा छोड़ के, कहीं जाए नहीं दे छे। कुछ नहीं हेतै, कुछ नहीं हेतै, माता जी चुप रहो, इंसाफ मिलते जरूर मिलते। प्रशासन के लोग अगर इनके वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस परिवार के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इन लोगों को अभी भी धमकी दिया जाता है। अगर ऐसा सच्चाई है तो कहीं ना कहीं फिर से उस परिवार वालों पे कानून का दंडा चलना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं, यही परिवार का घर है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ये लोग,
खाने के लिए भी इन लोगों को उस हिसाब से नहीं है। देख लीजिए, ये जस्ट बगल में, इधर दिखाइए कैमरा के माध्यम से, ये जो घर है बगल में, मैं बार बार बता रहा हूँ, यही घर है लड़की वाले का, और हम लड़के वाले के घर के आंगन में हैं। ये स्थिति है, परिवार का स्थिति देखिए, मतलब घर का स्थिति देखिए, ऊपर पन्नी है, एकदम पानी उनी पड़ता है तो चूता होगा ये घर। रातों भर गोर पांड रहे, जब बाबू परसु कर रहे, बाबू ने से कहाँ से आती है, बाबू के चिंता से काट लिए, माननीय ने काट लिए, लहरा से हमारा भेजा देने से 20 किलो गाँव, तब हम बाल बच्चा के खिलवे छे, ये बुरा हाल छे। अखनी हमार पति नहीं रहे कमबे वाला, बुढ़ो भाई गेल छे, ओकरा भेजे लिए जा, बच्चा छे नान सुन के देते खाइल। क्या बुरा हालात है, कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देता है। जो लड़का इस घर परिवार को संभालने वाला था, कहीं ना कहीं कमाऊ पुत्र हो गया था, चार बहन चार भाई, यानी 8 परिवार, अब माता पिता 10 परिवार के सदस्य हैं, जिस 10 परिवार में उसके पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, कमाने के लायक नहीं हैं, एक ही सदस्य था जो इस परिवार को कमा के गुजारा चलता था उनका, लेकिन उसी सदस्य को इस परिवार से कहीं ना कहीं ऊपर भेज दिया जाता है, एक दाने दाने के लिए मोहताज है। एक ये लड़का है जो सेंसलेस रहता है इनके माता के कहने के अनुसार। क्या नाम है भाई? राजेश। राजेश, आप क्या करते हैं? कुछ बाबू अपना मन में नहीं रहते बाबू साहब ने। देखिए ये मतलब अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा है, ऐसा स्थिति, यानी इस तबीयत इनका खराब है, जो दिमाग इसका थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, जो अच्छा लड़का था, जो परिवार के कमाऊ पुत्र थे, उनको भेज दिया गया सदा के लिए। ये बिल्कुल वही घटना है जो अररिया जिले के आरती और छोटू का घटना था, सेम उसी प्रकार का घटना है, कहीं ना कहीं उससे भी मुझसे भी बड़ा घटना हम कह सकते हैं, क्योंकि इस परिवार का हालात बिल्कुल बुरा है। ये पुत्र था कमाने वाला, वो नहीं रहा, वो साग सब्जी मानलक, हम की करबे, हम एगो बूढ़ा छे कमबे वाला, ओकरा हम की करबे, साग पतार नहीं खेलक, कलक माय नहीं खेबे, कलो बाबू कमबे वाला बाबू तो दुश्मन लग गेलो हरि के देतो बेटा तोरा, साग पतार साफ नहीं खाय खेलक, ही कलक माय सब्जी खेबे, ई खेबे, ओ खेबे। चुप हो जा, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा बेटा। हां ओकरा पर सुख कर रही छे, बेन करलत के देतो बाबू कमाए के खाइल। एक रती कह दिए बाबू के कि नहीं छे बेटा साग सब्जी ले पैसा, तो तुरंत 1000-2000 भेज दे रे, ओकरा पर बाबू बहुत सुख करे रे, अखनी वहा सुख के बेरा हमरा चल गेले ये, दुख के बेरा आयल जे हमर। बताइए, परिवार का हालात बुरा है, कहीं ना कहीं जब से यहाँ पे मैं आया हूँ आंसू बंद नहीं हो रहा है, और इस तरह का मतलब घटना, दिल से आवाज नहीं निकल रहा है मेरा भी, क्या मैं बोलूं यहाँ पे। इस परिवार का जो हालात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो पति है, इनका उम्र आप देख सकते हैं, इनका पति बुजुर्ग हो गए हैं, कमाने के लायक उस तरह से नहीं बचे हैं, चल दे छे तैयो भेजा दे छे कमबे ला, जा छे लोग के गोबर उठवे छे पंजाब में, कोई काम में नहीं सदे छे गोबर उठवे छे, कहलिए कहुना के तो बाल बच्चा का पालन करबो, भेज दलिए नहीं जा रहे कर, हमरा कोई नहीं राखे छे, कहलिए चल जा, दू गो बच्चा छे खाए पी, कहाँ से हम देवे, चोरी कर दे, ओकरा बाबू के सोग से काट लिए बांध लिए ने, लहरा से 20 किलो गहूम हमर माय काल्हि खुना दे आयल छे, ओकरा पिसाय के नान लिए। अच्छा, खाता नंबर छौ? खाता नंबर छौ? खाता नंबर ला, खाता नंबर पासबुक ला। देखिए, ये दर्दनीय घटना है, और आरती छोटू को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया था, बस उसी प्रकार का घटना है, उससे ज़्यादा दर्दनाक घटना है। आप लोग से सहयोग की उम्मीद है। आप घर परिवार का स्थिति देखिए, 8-8 बच्चे हैं इस परिवार में, और कमाने वाले कोई नहीं बचे हैं। वो जो इनका उम्र तो देख ही रहे हैं आप, इनके पति का क्या उम्र होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये खुद भी कह रही है कि कोई उनको साथ लेके जाना नहीं चाहते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग इनको ज़रूर मदद करिए, ताकि ये इस परिवार का जो हालात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों की मदद से सुधर जाए। और ये रहने के लिए घर नहीं है, पन्नी देखिए, रात में घर में पानी चूता है, पूरा घर पानी रे बाबू, रात सब बाल बच्चा मिल कर दूसरा घर के लिए नुकबे ले,
गलिए कोई देते एक दिन दू दिन देते सब दिन देते हमरा नुकबे ल बैठे देते आ की कर लिए जैसे सब बाल बच्चा एक जगह रही बैठल पूरा वे में पानी देखिए ना ओना को सगरे पानी सगरे पानी देखने छे पन्नी उजर उजर का सब अथी भ गेले देखिए थोड़ा अंदर से दिखाइए ये दिखाइए 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 अंदर का हालात देखिए एकदम मतलब पानी जब बरसता है ना बारिश जो आती है ना तो पूरे घर में मतलब भींग जाता है घर में रहने के लायक नहीं है। बस आप लोगों से ये मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो इस परिवार का हालात कुछ ना कुछ सुधर पाएगा और आप लोगों की मदद से इस परिवार का थोड़ा सा सहयोग हो पाएगा। हम नम्र निवेदन करेंगे मेरे जितने भी चाहने वाले हैं टीवी टाइम्स न्यूज़ के जो भी प्यार करने वाले हैं हम लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग इस परिवार के लिए थोड़ा सा अगर सहयोग करेंगे तो इस परिवार का हालात कहीं ना कहीं सुधर पाएगा। ये अकाउंट नंबर है आप ध्यान से देख लीजिए मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और इस अकाउंट नंबर में आप इनका सहयोग कर सकते हैं। अगर आपके सहयोग से किसी परिवार का भला हो तो आप लोगों का भी भला होगा ऊपर वाले के कृपा से। इस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे और उस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो परिवार इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि एक माता को कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी रोने पर मजबूर कर दिया है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार जय हिंद।